घर के बाहर खड़े एक शख्स के उत्ते फायरिंग की गई है। तो घटना सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। तस्वीरों के साफ देखा जा सकता है कि एक काले रंग के कपड़े पा के शख्स अपने घर के बाहर खड़ा है। तो जिवें ही वह खड़ा होंदा है तो सामने तो एक गली के विचों दो मोटरसाइकिल आउंदे ने। चार बदमाश इस दे उत्ते बैठे होंदे ने ते दे दनादन उस शख्स के उत्ते फायरिंग कर दी जाती है। हालांकि जो शख्स अपनी जान बचाउण दे लई घर दे अंदर वड़न लगता है तो गेट के कोल उसका पैर भी स्लिप होंदा है। तो उस तो बाद दे विच करीब कहा जा रहा है कि 8 से 10 गोलियां उसके उत्ते चलाईयां गई ने। हालांकि जिन्हां दे विचों दी 3 गोलियां उस शख्स दे लगियां ने, जिस तो बाद वह गंभीर रूप नाल जख्मी हो जाता है। तो उसनू इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। हालांकि जो बदमाशों के वलों गोलियां चलाईयां जा रही होंदियां ने तो उस समय सामने के घर तो ही एक बजुर्ग औरत निकलती है। हाथ दे विच उसदे झाड़ू फड़िया होंदा है तो झाड़ू दे नाल ही वह बदमाशों मारन की कोशिश करती है। पर बदमाशों के वलों उस औरत दे उत्ते भी गोली चलाई जाती है, पर बचा रहा है कि उसदे गोली नहीं लगती। तो दस दिए कि एक शख्स जो कि अपने घर के बाहर खड़ा होंदा है उसके उत्ते गोलियां चलाईया गई ने। हालांकि जेकर गल की जाए तो मुढ़ली जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश का यह मामला है। जिस शख्स के उत्ते गोलियां चलाईया गई ने उसके उत्ते भी कई अपराधिक मामले दर्ज ने। तो पुलिस हुण पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो एक बार फिर तो तुहानू तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक शख्स अपने घर के बाहर खड़ा है तो सामने तो गली के विचों दो बाइक के उत्ते चार बदमाश सवार होकर आते हैं तो उस शख्स के उत्ते फायरिंग कर दी जाती है। हालांकि जो वह अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के अंदर वड़न लगता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस तो बाद बदमाशों के वलों दे दनादन गोलियां उसके उत्ते चलाईया जांदियां ने। कहा जा रहा है कि करीब 8 राउंड फायरिंग मौके के उत्ते की गई है, जिन्हों के विचों 3 गोलियां उस शख्स दे लगियां ने, जिस तो बाद वह गंभीर रूप नाल जख्मी हो जाता है। हालांकि दूजी तस्वीर दे भी तुसी देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल जदों गोलियां चलाईयां जा रही सी तां एक बजुर्ग औरत झाड़ू लैके निकलती है तो झाड़ू दे नाल ही उन्हां नूं बदमाशां नूं भजाउण की कोशिश करती है। पर जो शख्स दे उत्ते गोलियां चलाईयां जांदियां ने वह अपने घर के अंदर वड़ जांदा है ते जदों बदमाश बजुर्ग औरत दे उत्ते भी गोली चलाउण तों गुरेज नहीं करदे। घर के बाहर खड़े एक शख्स के उत्ते फायरिंग की गई है। तो घटना सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। तस्वीरों के साफ देखा जा सकता है कि एक काले रंग के कपड़े पा के शख्स अपने घर के बाहर खड़ा है। तो जिवें ही वह खड़ा होंदा है तो सामने तो एक गली के विचों दो मोटरसाइकिल आउंदे ने। चार बदमाश इस दे उत्ते बैठे होंदे ने ते दे दनादन उस शख्स के उत्ते फायरिंग कर दी जाती है। हालांकि जो शख्स अपनी जान बचाउण दे लई घर दे अंदर वड़न लगता है तो गेट के कोल उसका पैर भी स्लिप होंदा है। तो उस तो बाद दे विच करीब कहा जा रहा है कि 8 से 10 गोलियां उसके उत्ते चलाईया गई ने। हालांकि जिन्हों के विचों 3 गोलियां उस शख्स के लगियां ने, जिस तो बाद वह गंभीर रूप नाल जख्मी हो जाता है तो उसनू इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। हालांकि जो बदमाशों के वलों गोलियां चलाईया जा रही होंदियां ने तो उस समय सामने के घर तो ही एक बजुर्ग औरत निकलती है। हाथ दे विच उसदे झाड़ू फड़िया होंदा है तो झाड़ू दे नाल ही वह बदमाशों मारन की कोशिश करती है। पर बदमाशों के वलों उस औरत दे उत्ते भी गोली चलाई जाती है, पर बचा रहा कि उसदे गोली नहीं लगती। तो दस दिए कि एक शख्स जो कि अपने घर के बाहर खड़ा होंदा है उसके उत्ते गोलियां चलाई गई ने। हालांकि जेकर गल की जाए तो मुढ़ली जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश का यह मामला है। जिस शख्स के उत्ते गोलियां चलाईया गई ने उसके उत्ते भी कई अपराधिक मामले दर्ज ने। तो पुलिस हुण पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो एक बार फिर तो तुहानू तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक शख्स अपने घर के बाहर खड़ा है तो सामने तो गली के विचों दो बाइक के उत्ते चार बदमाश सवार होकर आते हैं तो उस शख्स के उत्ते फायरिंग कर दी जाती है। हालांकि जो वह अपनी जान बचाने के लिए अपने घर के अंदर वड़न लगता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस तो बाद बदमाशों के वलों दे दनादन गोलियां उसके उत्ते चलाईया जाए ने। कहा जा रहा है कि करीब 8 राउंड फायरिंग मौके के उत्ते की गई है, जिन्हों के विचों 3 गोलियां उस शख्स के लगियां ने, जिस तो बाद वह गंभीर रूप नाल जख्मी हो जाता है। हालांकि दूजी तस्वीर दे भी तुसी देख सकते हो
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।